सीन सिटी एपिसोड 331 से लेकर 335 तक। बॉने वास्तव में शुरुआत में साथ खेलते थे, रेड कोसैक के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बात करते थे। हालांकि जब उनके बारूद के नुस्खे या उनके कबीले के स्थान जैसे सिद्धांत के मामले सामने आए तो वे पत्थर बन गए जो अपना मुंह नहीं खोलते। ओलर ने पूरे दिन हर वह तरीका आजमाया जो उसे पता था, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। ये कुछ ऐसा था जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। यहाँ तक कि नॉर्लैंड के बौने भी इतने अधिक नहीं थे। किसी भी सभ्य आकार के समूह में, चाहे वह किसी भी जाति का हो, कुछ ऐसे लोग जरूर होते थे जो डरपोक और लालची होते थे। हालांकि कारवां से उन्होंने जो भी कैदी पकड़ा था वह बेहद जिद्दी था। इसे केवल दुर्भाग्य के कारण ही माना जा सकता था। मेरे पास समय नहीं है, रिचर्ड ने अधेड़ उम्र के लाल कजाक कप्तान की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, उसे बाहर खींचो। कुछ लोगों ने पिंजरे का दरवाजा खोला, आदमी को बाहर निकाला और रिचर्ड के सामने रख दिया। जादूगर ने एक शब्द भी नहीं बोला, बस अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसकी सांसें और भी तेज हो गई थीं और उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। हालांकि ये कुछ ही देर तक चला, जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो उसकी सांसें सामान्य हो गई थीं। हालांकि उन पुतलियों की गहराई में कुछ ऐसा था जिसे यहाँ कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। रिचर्ड की नज़र अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में घुस गई, मेरा धैर्य खत्म हो गया है, अभी बताओ बिजली की निहाई कहाँ है, अधेड़ उम्र के आदमी ने सवाल का जवाब दिए बिना कराहना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार रिचर्ड ने भौहें नहीं सिकुड़ी बल्कि ओलार की कमर से तलवार निकाल ली। श्लिक, ब्लेड ने उस आदमी का दाहिना हाथ काट दिया। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा जिससे उस आदमी का चेहरा सफेद हो गया। उसने दबी हुई कराह निकाली लेकिन फिर भी वह अडिग रहा और चिल्लाए बिना सीधा खड़ा रहने की कोशिश करता रहा। रिचर्ड ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, मेरे पास अब और समय नहीं है, तुम मुझे जितना ज्यादा देर करोगे इन दो और लोगों के बचने की संभावना उतनी ही कम होगी और वे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जवाब आया, तो फिर उन्हें मरने दो। श्लिक, बायां हाथ फर्श पर गिर गया। बिजली की निहाई कहाँ है, रिचर्ड ने दो बार और पूछा। जवाब न मिलने के कारण उस आदमी के दोनों पैर छिन गए। सीज़र, रिचर्ड ने पुकारा। युवक अपने हाथों को कांपने से नहीं रोक पाया लेकिन फिर भी एक कम उपचार मंत्र पूरा करने में कामयाब रहा। इससे केवल रक्तस्राव धीमा हो जाएगा जिससे वह व्यक्ति धीमी मौत मरेगा। एक साधारण उपचार मंत्र इतने गहरे घावों को ठीक नहीं कर सकता था। रिचर्ड ने तलवार वापस ओला को दे दी। बार्ड ने देखा कि तलवार को पकड़ने वाली उंगलियां पीली पड़ गई थीं। यह इस बात का संकेत था कि जादूगर ने अपनी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग किया था। जादूगर वास्तव में उतना शांत महसूस नहीं कर रहा था जितना वह दिख रहा था। उसका दिल ज्वालामुखी क्रोध से उबल रहा था जो कभी भी फट सकता था। रिचर्ड ने रुमाल निकाला और खून से सने अपने हाथ पोंछते हुए ओलार से कहा, अब तुम जाकर आराम कर सकते हो, कल सुबह वापस आना। अगर वे फिर भी झुकने को तैयार नहीं हैं, तो शाम को उनके सारे अंग काटकर शहर के बाहर फेंक देना। हाँ मास्टर, ओलर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। किसी कारण से भले ही पिछले कुछ आदेश क्रूर रहे हों, लेकिन यह आदेश विशेष रूप से हड्डियों को कंपा देने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कुछ दिनों में उसका मालिक पूरी तरह से किसी और में बदल गया हो। रिचर्ड के पूछताछ कक्ष से चले जाने के बाद ही बार्ड को आराम मिल पाया। उसने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें बह रही थीं, जिससे उसका पूरा पहनावा भीग गया। असहज महसूस करते हुए एल्फ ने बंदियों पर गुस्से से नजर डाली और उन पर अपशब्दों की बौछार की। पूछताछ कक्ष से बाहर निकलते समय गार्डों ने उन पर कड़ी नजर रखी। उस रात उसे बहुत ज्यादा उदास महसूस हुआ, जैसे उसके सीने में कुछ अटक गया हो। उसे पीने और आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। जब वह अपने कमरे में वापस आया तो रिचर्ड ने दरवाजा बंद कर लिया और खुद को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि वह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर की गहराई में मौजूद आर्करॉन का खून लगातार दहाड़ रहा था, जिससे उसे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरने की तीव्र इच्छा हो रही थी। वह बैठ गया और बेचैन खून को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसकी चेतना धीरे धीरे शांत हो रही थी। शुरू में तो उसका मन चारों ओर से काला था, लेकिन धीरे धीरे एक कोने में तारों वाली नीली रोशनी जगमगा उठी। उस नीले समुद्र के इर्द गिर्द उसका अपना भूत घूम रहा था, उसके अपने शरीर का एक पारदर्शी सिलहूर जो धुंधले कोहरे में ढका हुआ था। मंद रोशनी उसकी वर्तमान जादुई क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करती थी। बुद्धि के आशीर्वाद के कारण उसके मन पूल की गहराई की सटीक गणना करने में कोई समय नहीं लगा। एक स्तर 11 जादूगर के रूप में उसके पास वर्तमान में कुल 800 मन अंक थे। वह स्तर 12 से बहुत दूर नहीं था। जादुई रोशनी का रंग विभिन्न तत्वों के वितरण को दर्शाता था। उसका अपना मन पूल विभिन्न रंगों का मिश्रण था, एक संतुलित अराजकता जिसमें कोई विशेष आत्मीयता नहीं थी। यह मन का सबसे आम प्रकार था। उसके शरीर पर कई गहरे लाल रंग की रेखाएं घूम रही थीं, जिनमें से प्रत्येक मकड़ी के जाले की तरह पतली थी। अगर वह उन पर ध्यान केंद्रित करता और छवि को बड़ा करता तो वह देख सकता था कि ये निशान रक्त वाहिकाओं जैसे थे। हालांकि उनके भीतर बह रहा रक्त उबलते तापमान के करीब था।
ये पहली बार नहीं था जब ध्यान के दौरान उसे ये दृश्य देखने को मिला था। वह जानता था कि वे उसकी असली नसें नहीं थीं, बल्कि उसके आर्करॉन वंश की ताकत का एक अवशेष मात्र थीं। आर्करॉन वंश अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। ब्लेज जैसी मात्र ग्रेड दो क्षमता भी अत्यंत शक्तिशाली थी। यह उसकी जादू टोने की क्षमता को 20% से अधिक बढ़ा सकता था, केवल इस तथ्य तक सीमित था कि उसकी अपरिपक्व वंश प्रणाली उसे उसी समय इरप्शन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देती थी। ब्लेज का उपयोग करना उसके अपने जीवित रहने के कौशल को त्यागने के बराबर था। उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्से में एक बड़ा झागदार पेड़ था, जिसकी हरी भरी शाखाएं हर जगह फैली हुई थीं। वे उसके शरीर के छोर तक पहुंच गईं, उस लाल रंग के जाल में उलझी हुई। कोई भी शाखाओं को जड़ तक नहीं ढूंढ सकता था, न ही उनका अंत ढूंढ सकता था। जड़ों की एक विशाल श्रृंखला ने 5 तनों को घेर रखा था, जिनमें से अधिकांश शाखाएं और पत्तियां एक से ही निकल रही थीं। ये पेड़ उसके एल्वेन रक्त का प्रकटीकरण था। 5 तने उसके वंश द्वारा दी गई समानताओं का प्रतिनिधित्व करते थे: प्रकृति, तत्व, पुनर्प्राप्ति, भ्रम और चंद्र शक्ति। सबसे विकसित प्रकृति का तना था, जो उसके प्रकृति के बेकन मंत्र को बढ़ावा देने का मूल था। चंद्र शक्ति का तना भी थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन अन्य 3 ज्यादातर तने थे, जिनमें ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। पेड़ और मकड़ी के जाले में मैना का एक बादल फैल गया, जो लगातार दोनों रक्त रेखाओं में पंप हो रहा था और एक बार फिर से बाहर निकल रहा था। हालांकि इस प्रक्रिया में मैना थोड़ा कम हो रहा था। प्रभाव इतना छोटा था कि रिचर्ड ने इसे केवल अपनी तीक्ष्णता और सावधानी के कारण महसूस किया। नॉर्लैंड में रक्तरेखा क्षमताओं का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया था। वे हवा से नहीं निकलती थीं, बल्कि धारक की कक्षा के आधार पर शक्ति प्राप्त करती थीं। योद्धा के लिए यह ऊर्जा थी और जादूगर के लिए मन, लेकिन सूक्ष्म शक्ति, अग्नि और चंद्र शक्ति जैसे अन्य विकल्प भी थे। इस अवशोषित शक्ति को फिर क्षमता में बदल दिया गया, चाहे वह शक्तिशाली हो या बेकार। यही कारण है कि केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के पास ही उनके साथ जन्म लेने का उपहार था। अधिकांश लोगों ने स्तर में वृद्धि के साथ क्षमताओं को अनलॉक किया। रिचर्ड जैसे लोगों के पास कई वंश होते हैं जो क्षमताएं प्रदान कर सकते हैं, अक्सर उन्हें चुनाव की दुविधा का सामना करना पड़ता था। जितना अधिक वे अपने वंश में से किसी एक का उपयोग करते, उतना ही वह विकसित होता। समय के साथ वह बाकी सभी पर हावी हो जाता। रिचर्ड ने एक बार फिर अपने मन को शांत होने दिया। उसकी आत्मा की शक्ति धीरे धीरे फैलती गई। उसके शरीर के भीतर का मन बाहर की ओर फैलने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ महसूस कर रहा है। चेतना के अपने शांत सागर से बाहर निकलते हुए मानस ने पास में कभी कभी नीली सूक्ष्म प्रकाश की किरणें दिखाईं। ये किरणें मानस द्वारा फंस गईं, उसे थोड़ा मजबूत करने के लिए उसके शरीर में खींच ली गईं। ये प्रकाश उसके शरीर में प्रवेश करते ही तुरंत विलीन हो गया, लेकिन इसने उसके मानस के एक छोटे से हिस्से को नीला कर दिया। ये शेरोन की अनूठी ध्यान तकनीक डीप ब्लू फैंटेसी का आरंभिक भाग था। इस विधि से व्यक्ति को अज्ञात गुणों वाली सूक्ष्म प्रकाश की किरणों को महसूस करने की अनुमति मिलती थी, न कि मौलिक मान का उपयोग करके। यह नीली ऊर्जा कुछ हद तक सूक्ष्म शक्ति के समान थी, लेकिन ये बिल्कुल वैसी नहीं थी। अन्य सभी प्रकार के मान को प्रतिस्थापित करने की क्षमता के अलावा रिचर्ड अभी तक इसकी किसी भी अनूठी ताकत को खोजने में सक्षम नहीं था। रिचर्ड ने 10वें स्तर पर पहुंचने के बाद ही डीप ब्लू फैंटेसी का इस्तेमाल करना शुरू किया था। उसके द्वारा पकड़ी गई हर किरण मन के 10वें हिस्से के बराबर थी। वह आमतौर पर ध्यान के हर घंटे में 1 से 3 किरणों को पकड़ सकता था, जिससे ये तकनीक किसी भी सामान्य तरीके से 3 गुना तेज हो जाती थी। ये विवरण इस बात का सबूत थे कि डीप ब्लू की विरासत कितनी समृद्ध थी। ध्यान करना आसान नहीं था। रिचर्ड को अपने मन की गहराई में प्रवेश करना मुश्किल लगा। यही वजह थी कि वह 1 घंटे के भीतर केवल एक ही एस्ट्रल किरण को खोजने में कामयाब रहा। इसके अलावा उसके आर्करॉन वंश में अचानक से ही ऊर्जा का संचार हो गया और वह शक्ति को जल्दी से अवशोषित कर लिया। ये पहली बार था जब उसकी वंशावली अपनी इच्छा से शक्ति को अवशोषित कर रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक छवि उभरी, जो उसके लिए बेहद जानी पहचानी थी, भविष्य के दृश्यों का एक अंश जो उसने ईश्वरीय कृपा के कारण देखा था। ये शेरोन की छवि थी। उसका शरीर असीम शून्य में तैर रहा था। रिचर्ड ने अचानक अपनी आंखें खोली और मुंह से खून थूक दिया। लाल रंग का तरल पदार्थ फर्श तक भी नहीं पहुंचा, बल्कि बाहर निकलते ही भाप बन गया। धमाका! उसके कमरे का दरवाजा अचानक से खुला। फ्लोसेंड अगले दरवाजे से तेजी से अंदर आया था, लेकिन उसे खूनी धुंध का एक झोंका भी दिखाई नहीं दिया। वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या हुआ? कुछ सरसराहट की आवाजें सुनाई दी और वाटरफ्लोवर और फेजर भी उसी क्रम में आगे बढ़े। वे दोनों रिचर्ड की आत्मा से बहुत करीब से जुड़े हुए थे और तुरंत उसे दिगमगाता हुआ महसूस कर लिया। ये संकट एक धुंध की तरह था जो उन्हें नीचे धकेलने के लिए फैल गया, मानो एक पल में पूरी दुनिया को निगलने वाला हो। रिचर्ड अचानक थका हुआ और कमजोर महसूस करने लगा। वह खुद को रोक नहीं सका और फ्लोसेंट की बाहों में झुक गया। पीला दिख रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। मैं बस घर जाना चाहता हूँ।
उसके मुंह के कोने से अभी भी बहता खून देखकर फ्लोसेंट ने उसे कसकर गले लगा लिया। हम जाएंगे, हम बहुत जल्द वापस जाएंगे। तुम्हें क्या हो गया है? मत, मुझे डराओ मत। उसने उसके चेहरे से खून पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथ कांप रहे थे। वह खून के धब्बे और भी ज्यादा फैलाने में कामयाब रही। रिचर्ड ने जो खून खांस कर बाहर निकाला था उसमें जादू की गंध थी, जो किसी जादूगर के लिए सबसे बड़ी आपदा की तरह लग रहा था। मन का विघटन। फ्लोसेंट का दिमाग उस पल खाली हो गया था जब वह वाष्पित हो रही धुंध को देखने के लिए दरवाजे से अंदर आई थी। वह अब वह दिव्य पादरी नहीं थी जो पानी की तरह शांत थी, बल्कि उसने उस युवक को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि वह किसी भी अन्य की तरह असहाय महसूस कर रही थी। हालांकि उनकी आत्माएं आपस में जुड़ी नहीं थी, फिर भी वह उसकी आत्मा की गहराई में निराशा की धुंध को महसूस कर सकती थी, जो व्यवहारिक रूप से उसकी चेतना की आखिरी रोशनी को ढक रही थी। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग खुद ढह रहा था, जिससे उसके पास आगे बढ़ने और विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। किनारे पर खड़ी वॉटरफ्लावर ने अनंत विश्राम के चरवाहे को कसकर पकड़ रखा था, जबकि वह परेशान थी। वह केवल मारना जानती थी, ठीक करना नहीं। जबकि उसकी नाजुक उंगलियां पहले से ही परिश्रम से पीली हो गई थी, वह जानती थी कि उसकी तलवार इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकती। इसके बजाय फेजर, जो अब तक कोने में चुपचाप खड़ा था, ने कुछ कठोर स्वर में कहा। यह अभी भी दिव्य भाषा थी, लेकिन यह वही भाषा थी जिसका उपयोग नॉर्लैंड में किया जाता था ताकि फ्लोसेंट समझ सके। दिव्य मंत्र, पुनर्स्थापना। फ्लोसेंट अचानक अपने आप में लौट आई, तभी उसे याद आया कि वह एक पादरी थी। उसने रिचर्ड की मदद की और जल्दी से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, उपचार मंत्र तैयार किया। यह मैना विघटन को ठीक नहीं करेगा, लेकिन कम से कम ये घावों का इलाज करेगा। हालांकि यह मंत्र जिसे वह अपने सपनों में पढ़ सकती थी, वह दो बार विफल रही, केवल तीसरे प्रयास में इसे ठीक से डालने में कामयाब रही। कायाकल्प करने वाली शक्ति तुरंत रिचर्ड के शरीर के हर हिस्से में समा गई, जिससे उसके पीले चेहरे पर गुलाबी रंगत लौट आए। उसके आर्करॉन वंश की हिंसक हरकतें आखिरकार कम हो गईं, उन्मत्त मन शांत हो गया। रिचर्ड ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर एक पल के लिए होश में आए और फिर उन्हें फिर से खोला। मैं ठीक हूँ। ध्यान के दौरान बस कुछ छोटी मोटी समस्याएं थीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लोसेंट ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः इस विषय को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। ठीक है, लेकिन आज रात को और ध्यान मत करो, मंत्र को काम करने के लिए समय चाहिए। रिचर्ड ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप सभी को वापस सो जाना चाहिए। मौत के दरवाजे पर कई बार जाने से उसका सुंदर एल्विन चेहरा तीखा और संयमित हो गया था। वाकई देर हो चुकी थी। जैसे ही वे पहुंचे, वॉटरफ्लावर और फेजर दो परछाइयों में बदल गए और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। जब फ्लोसेंट दरवाजे पर थी तो वह अचानक पीछे मुड़ी और गंभीरता से बोली, हम जल्दी लौट आएंगे। रिचर्ड ने अपनी आकर्षक मुस्कान बनाए रखते हुए अपना सिर हिलाया, कोई जल्दी नहीं है, हमें इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बस अपने तय शेड्यूल के अनुसार काम करते रहना चाहिए। हम, पादरी ने जोर से सिर हिलाया और फिर अपने कमरे में लौट गई, जिससे उसे थोड़ी जगह मिल गई। रिचर्ड बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। पुनर्स्थापना मंत्र अपना असर दिखा रहा था, दिव्य शक्ति ने उसके शरीर की उपचार क्षमताओं को सक्रिय कर दिया था, जिससे चोटें बहुत जल्दी ठीक हो गईं। जब तक दिव्य शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई, तब तक एक काटने वाली थकान ने उसके शरीर की हर नस को खा लिया था, जिससे उसे आराम की लालसा हो रही थी। हालांकि जिस क्षण उसने अपनी आंखें बंद की, वे पूर्वाभास जो उसे अंदर तक हिलाकर रख देते थे, एक बार फिर उसकी दृष्टि में आ गए। उनसे छुटकारा पाना असंभव था। चूंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने कपड़े पहने और बिस्तर से बाहर निकलकर अपने औजार निकाले तथा रून बनाने लगा। रिचर्ड को प्राथमिक शक्ति रून तैयार करने में कोई समस्या नहीं हुई, भले ही उसका मान समाप्त हो गया हो। एकमात्र प्रतिकूल प्रभाव यह था कि बढ़ावा सामान्य से थोड़ा कम होगा। जिस रून पर वह वर्तमान में काम कर रहा था, वह मध्यम दुर्लभ के लिए था और ट्रोल की शक्ति को बहुत बढ़ा देगा। रून केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं थे, कल्पित बौने सुक्ति, पर्याप्त बुद्धि वाली कोई भी जाति केवल मामूली समायोजन के साथ उनका उपयोग कर सकती थी। यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली जादुई जानवर भी रून का उपयोग कर सकते थे। इसका एक उदाहरण रून शूरवीरों की सवारी है। हालांकि इतिहास में बहुत कम लोगों ने ट्रोल और बर्बर लोगों के लिए रून बनाए थे, यहाँ तक कि प्राथमिक रून के लिए भी। इतिहास में ज्यादातर रून मास्टर इंसानों और कल्पित बौनों से आए थे, और कल्पित बौनों के साम्राज्य के अलग हो जाने के बाद ज्यादातर मौजूदा रून मास्टर इंसान ही थे। हर एक व्यक्ति उच्च सम्मान का व्यक्ति था और उनके रून की गुणवत्ता चाहे जो भी हो, मांग हमेशा आपूर्ति से ज्यादा रही। बर्बर लोगों और ट्रोल्स के लिए कौन रून बनाएगा, जिनके बारे में इंसानों का मानना था कि वे जानवरों से सिर्फ एक कदम ऊपर हैं। ट्रोल्स वास्तव में रून से लैस हो सकते थे। इस मामले में वे ऑक्स से अलग थे, उनमें से कई में जादू की प्रतिभा भी थी। तिरामिसु खुद इसका एक प्रमुख उदाहरण था।
हालांकि रिचर्ड जो रून बना रहा था वह ट्रोल के लिए कस्टमाइज नहीं था, लेकिन उसकी मजबूत जीवन शक्ति को देखते हुए मीडियम रेयर को इसका इस्तेमाल करते समय थोड़ी असहजता महसूस होगी। हालांकि उसकी ताकत अभी भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। अगर वह कस्टम रून बनाना चाहता है तो लागत बहुत ज्यादा होगी और इसे बनाने में 3 महीने लगेंगे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करते समय आराम के अलावा ताकत बढ़ाने के लिए बोनस मात्र 5% होगा। प्राथमिक शक्ति रून भोर तक लगभग पूरा हो चुका था। इसे पूरा होने में बस 2 दिन और लगेंगे। ब्लू वाटर में एक शांत दिन बीता। लोगों के पास चर्चा करने के लिए बहुत सी बातें थीं, जिनमें से ज्यादातर रिचर्ड के 8,000 गुलामों के साथ लौटने के बारे में थीं। हालांकि उसने सभी मजबूत बर्बर और जंगली कल्पित बौनों को अपने पास रख लिया था, लेकिन बचे हुए रेगिस्तानी योद्धा अभी भी 50,000 सोने के बराबर थे, और यह सिर्फ ब्लडस्टेन लैंड्स में कीमत थी। 50,000 सोना किसी के लिए भी छोटी रकम नहीं थी, इसलिए हर कोई स्वाभाविक रूप से पूरे दिन इसके बारे में बात करने में खुश था। लेकिन रात होते ही लोगों के बीच एक और बात चर्चा का विषय बन गई। वह थी शहर की सीमा पर अचानक एक दर्जन लोगों का आ जाना। यह मनुष्यों और बौनों का एक मिश्रित समूह था। ध्यान आकर्षित करने वाली बात यह थी कि उन सभी के अंग काटे गए थे, लेकिन फिर भी वे दिव्य मंत्रों से ठीक हो गए थे। स्टंप से बहुत ज्यादा खून नहीं बह रहा था और कम से कम वे अगले कुछ दिनों में नहीं मरेंगे। वे इधर उधर करवटें बदल रहे थे। उनकी पीड़ा की चीखें इतनी पीड़ादायक थीं कि रक्तरंजित भूमि के कठोर निवासी भी भयभीत थे। कुछ ने पहचान लिया था कि मनुष्य रेड कोसैक से आए थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें उनके दर्द से राहत दिलाने की हिम्मत नहीं की। उनमें उनकी पीड़ा को समाप्त करने का साहस भी नहीं था। लोगों को पहले ही पता चल गया था कि रिचर्ड के मातहतों ने ही इन लोगों को यहाँ फेंका था। अब ये खूबसूरत युवा जादूगर उनकी नज़र में किसी राक्षस से अलग नहीं था। उसी रात जब रिचर्ड ने द्वितीय श्रेणी के कारवां को लूटा और उसके सामान के साथ ब्लू वाटर पहुंचा, शहर में रेड कोसैक एजेंट चुपचाप उसके ब्लेड से बचने के लिए चले गए थे। हालांकि कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि क्रूर व्यापारी समूह ने महान जादूगर के सामने हार मान ली थी। स्थानीय एजेंट को लगा कि उसके पास रिचर्ड से लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए वह अभी के लिए पीछे हट गया। रेड कोसैक ने एक डाकू समूह के रूप में शुरुआत की थी और वे विशाल भूमि पर बिखरे हुए थे। उन्होंने शायद ही कभी एक ही शहर में भारी सैन्य बल रखा हो। इस उकसावे पर उनकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से भयंकर होगी। रिचर्ड और रेड कोसैक के बीच संघर्ष उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां से वापसी संभव नहीं थी। जिस तरह से उसने पूरी स्थिति से निपटा था, उससे ये स्पष्ट था कि उसके पास उनसे ज्यादा दया नहीं थी। खून ने इन लोगों को नहीं डराया, लेकिन इसने निश्चित रूप से उन सभी को रोक दिया जो उसकी उम्र के कारण उसके लिए बुरी नीयत रखते थे। स्वाभाविक रूप से दर्शकों की स्थिति के बारे में अपनी राय थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज़ कम कर ली। ये रिचर्ड की शक्ति का प्रदर्शन था। एक बार फिर रात हो गई। रिचर्ड अपनी शक्ति रून पर काम पूरा कर रहा था, जबकि फ्लोसेंड अपने प्रशिक्षुओं के लिए रात की कक्षाओं में थी, जहां वह उन्हें सिखाती थी कि दिव्य शक्ति कैसे एकत्रित करें और उसका उपयोग कैसे करें। वाटरफ्लावर अभी भी अंधेरे में छिपी हुई थी। रिचर्ड के अलावा कोई भी उसका स्थान नहीं बता सकता था। फेजर कभी कभी पास में मंडराती थी, लेकिन कभी कभी वह शहर में इधर उधर भटकती रहती थी। गैंगडोर और तिरामिसु सेना के साथ रहे। सोनाए बर्बर और 60 एल्विन तीरंदाजों के साथ प्रशिक्षण को आगे बढ़ाना पड़ा ताकि वे जल्द से जल्द सेना में शामिल हो सकें। दूसरों के पास अपने स्वयं के मामले थे। रिचर्ड कुछ और समय के लिए ब्लू वाटर में रहेगा। केलाक की तरफ से खबर पहले ही आ चुकी थी। उसने सारी दिव्य शक्ति को अवशोषित कर लिया था और वह अपनी सेना लेकर आ रहा था। दानव शिकार भाले के 300 योद्धाओं ने रिचर्ड की भर्ती स्वीकार कर ली थी और अपने वर्तमान मिशन के समाप्त होते ही वे जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, जबकि वे सामूहिक रूप से प्रति माह 3,000 सिक्के लेंगे। कुलीन वर्ग जो कम से कम स्तर 7 के थे और 2 शक्तिशाली स्तर 13 तलवारबाजों का मतलब था कि उसे अपने पैसे का पूरा मूल्य मिल रहा था। अब बस स्वर्णिम युद्ध ध्वज के संत फालकाओं का इंतजार करना बाकी था। जब वह आएगा तो लाल कजाक के किसी भी अचानक हमले का डर नहीं रहेगा। रॉल्फ के लिए बनाया गया रून पहले से ही उत्पादन में था। इसे बनाने में बहुत ज्यादा लागत आए और यह हर सक्रियण में आधे घंटे तक चलता था। जब भी सक्रिय होता तो यह उपयोगकर्ता की शक्ति को 20% और रक्षा को 10% तक बढ़ा देता। 2 प्रभावों का संयोजन इसे ग्रेड 2 रून के रूप में दर्शाता है। हालांकि 2 उपयोगों के बाद ज्यादातर जादू की सरणियां हटा दी जाती थीं, जिससे बहुत कम शक्ति बचती थी। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था और उच्च लागत का कारण था। एक आत्मा विनाशकारी जादू की सरणी जिसमें उपयोग की संख्या की सीमा होती थी, उसे खींचना मुश्किल था। एक सामान्य ग्रेड 2 रून की लागत केवल 2/3 ही होती थी। शहर के किनारे एक शराब खाने में मीडियम रेयर, ओलार और फेजर एक टेबल पर बैठकर शराब पी रहे थे। वे यहाँ मुख्यतः ट्रोल के अस्तित्व के कारण थे। मीडियम रेयर का अधिकांश शराब खानों में स्वागत नहीं किया जाता था क्योंकि वह अन्य ग्राहकों को डराता था। शायद ये रिचर्ड के साथ उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से था, लेकिन ओला हाल ही में घबराया हुआ था।
इसलिए उसने मीडियम रेयर को कुछ ड्रिंक्स के लिए दूर खींच लिया था और किसी कारण से फेजर भी साथ आ गया था। हालांकि एल्फ के पास रात के लिए कोई और विचार नहीं था, वह शराब के साथ अपना गला धोने और अपने ट्रोल की बेचैनी को दूर करने के लिए उत्सुक था। फेजर ने एक गहरे रंग के लबादे में खुद को लपेटा हुआ था, जिससे उसकी अनोखी विशेषताएं छिपी हुई थीं जो ध्यान आकर्षित करती थीं। वैसे भी शराब खाने में व्यापार धीमा था, केवल दो टेबल भरी हुई थीं, लेकिन उनकी बोतलों पर पहले से ही शराब बिखरी हुई थी। मीडियम रेयर में अकेले 7 या 8 मजबूत आदमी बैठ सकते थे, उसका बड़ा शरीर कुर्सी में भी फिट नहीं हो रहा था। उसे फर्श पर बैठना पड़ा, जिससे वह बैठे हुए ओलार के बराबर ऊंचाई पर आ गया। एल्विन बार्ड खुद उच्च समाज का आदि था, जहां शराब सहनशीलता एक आवश्यक हथियार थी, जबकि फेजर भी बुरा नहीं था। शराब का उस पर कोई असर नहीं हुआ। शराब खाने का मालिक घर से बनी 6 बोतलें लेकर बाहर निकला। वह ट्रोल की शराब पीने की गति के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा था। ये बैच मेरे निजी संग्रह से है, इसका स्वाद अलग है, लेकिन सावधान रहें, ये चीज बहुत मजबूत है, उसने विनम्रता से उन्हें याद दिलाया। हालांकि उसके लहजे से ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में उन्हें उकसा रहा था। ये स्पष्ट था कि ये ग्राहक उसका सारा स्टॉक पी सकते थे, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिल सकता था। मीडियम रेयर ने सकारात्मक स्वर में कहा, ट्रे को पकड़ा और उसे टेबल पर रख दिया। उसने एक बोतल को गर्दन से पकड़ा और तरल को अपने गले में डाला। शराब के बाहर निकलने पर फलों की लकड़ी जैसी महक फैल गई और मधुर स्वाद पहले मिली किसी भी चीज से कहीं बेहतर था। ये समृद्ध तरल पदार्थ वास्तव में बहुत मजबूत था। जब तक बोतल की सामग्री उसके पेट में थी, तब तक ट्रोल को भी आरामदायक चक्कर आने लगा। शराब खाने का दरवाजा खोला गया और एक के बाद एक दो समूह के लोग अंदर दाखिल हुए। उनके पहनावे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे इनाम के शिकारी हैं, जो रक्तरंजित भूमि में एक आम पेशा है। इस तरह के लोग शराब के लिए पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह अंगरक्षक के रूप में काम करना हो या डाकू के रूप में। 4 लोगों का पहला समूह एक अच्छी जगह पाने में कामयाब रहा, जिससे 3 लोग असंतुष्ट रह गए। शराब खाने में सिर्फ 2 टेबल बची थीं और दोनों ही मीडियम रेयर के बगल में थीं। ट्रोल के नजदीक जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, भले ही वह कितना भी अच्छा स्वभाव का क्यों ना हो। तीनों इनाम के शिकारी कुछ बुदबुदाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वे दूसरी जगह नहीं ढूंढना चाहते थे। उन्होंने एक मेज चुनी और बैठ गए। उनमें से एक व्यक्ति अपनी सीट पर बैठते समय थोड़ा अनाड़ी था, जिससे उसका कोट उड़कर मीडियम रेयर के सिर के पीछे जा लगा। अरे, तुमने मुझे छुआ, मीडियम रेयर ने मोटे तौर पर कहा। माफ करना दोस्त, ये जगह थोड़ी संकरी है, शिकारी ने माफी मांगते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में डर था। उसके साथी भी घबराए हुए थे, किसी ने भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की जिससे गलतफहमी पैदा हो। शुक्र है कि मीडियम रेयर झगड़ने के मूड में नहीं था। मामला उसके हाथ की एक लहर से खत्म हो गया और ओलो ने शिकारियों की परवाह किए बिना बस उन पर नजर डाली। ट्रोल नशे में धुत होने लगा था, जिससे उसका मूड अच्छा हो गया था। लगातार लड़ाइयों ने उसके शरीर के हर हिस्से को ताकत से भर दिया था। अब वह जल्द ही लेवल 13 तक पहुंच जाएगा। उसका शरीर और भी फुर्तीला हो गया था, जो आने वाले उत्परिवर्तन का संकेत था। हालांकि लेवल 12 पर उसका उत्परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन लेवल 13 पर ऐसा करना बुरा नहीं होगा। आखिरकार हर 10 ट्रोल में से केवल एक या दो ही पहले स्थान पर उत्परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में हल्का सुन्नपन महसूस हुआ, जैसे किसी मच्छर ने उसे काट लिया हो। उसने उस जगह को खुजलाया और उस जंगली जानवर को कोसा। रक्तरंजित भूमि वास्तव में अजीब थी। यहाँ मच्छर थे जो ट्रोल की मोटी त्वचा को भेदने में सक्षम थे। दोनों टेबलों पर बैठे शिकारी शराब और व्यंजन ऑर्डर करते हुए शोर मचाते हुए शेखी बघारने लगे। उन्होंने अपने कारनामों और रोमांच का जिक्र किया, बीच बीच में हंसी ठहाके लगाने से जगह और भी जीवंत हो गई। मीडियम रेयर और ओला भी खुशी से बातें कर रहे थे। तुम यह नहीं जानते, लेकिन ओल्ड नासिर ने मुझे और तिरामिसू को हर दिन जड़ों, घास और पत्तियों से बनी कुछ मिट्टी खाने को दी थी। ये बहुत ही गंदा था, लेकिन ओल्ड नासिर ने कहा कि अगर मैं इसे हर दिन खाऊंगा तो मैं धीरे धीरे होशियार हो जाऊंगा। होशियार होने का क्या मतलब है? ताकत हमेशा मजबूत दुश्मनों के लिए बेहतर होती है। तिरामिसू मुझसे ज्यादा होशियार है, लेकिन उसने मुझे पहले कभी जादू से भी नहीं हराया। ठीक है छोटे ओला, क्या तुम जानते हो कि ओल्ड नासिर ने मुझसे कहा था कि मैं भी जादू सीख सकता हूँ? उफ, लेकिन मुझे मूर्ख की तरह एक ही मुद्रा में रहना पसंद नहीं है। ओह, बेशक मास्टर, एक अपवाद है। मैं सीधे जाना पसंद करता हूँ, दुश्मनों के सिर को कुचलने के लिए अपने हथौड़े का इस्तेमाल करता हूँ। ओला ने जवाब में कहा, क्या तुम्हें और तुम्हारे भाई को खाना बनाना पसंद नहीं था? तुम्हें खोपड़ियां तोड़ने का मौका कब मिला? इसके अलावा मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, मुझे छोटी ओला कहना बंद करो। मीडियम रेयर ने अपना सिर खुजलाया और असमंजस में पड़कर सोचने लगा, तो मुझे खाना बनाना पसंद था, क्या मैंने ऐसा कहा? एह, मैं कह सकता था, बूढ़े नासिर का खाना बहुत खराब था। और फिर वह मर गया।
हालांकि उसका खाना बहुत खराब था, लेकिन मुझे और तिरामिसू को वह बहुत पसंद था। हमें भी इंसान पसंद हैं। इंसानों ने तुम्हें गुलाम बना दिया, ओलो ने ठंडे स्वर में कहा। वह कभी इंसानों की इच्छा का गुलाम था। उसके मिश्रित रक्त ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उसे इंसानों और कल्पित बौनों दोनों के बीच कभी कोई दर्जा नहीं मिलेगा। मीडियम रेयर ने अपना सिर खुजलाया, लेकिन मास्टर तो इंसान हैं। इस बार ओलो ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दिखाई। रिचर्ड वास्तव में एक बहुत अच्छा मालिक था, अपने अधीनस्थों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। उसका भविष्य भी आशाजनक था। अगर वे दो उग्र महिलाएं उसके साथ न होती तो वह और भी बेहतर होता। फ्लोसेंड और वाटरफ्लावर असाधारण रूप से सुंदर थीं, लेकिन अब उन्हें याद करके ही उसे पछतावा होता था। वास्तव में उसे नहीं लगता था कि वह उनके लिए कुछ कर भी सकता है। उस समय मीडियम रेयर को अपने सिर के पिछले हिस्से में एक बार फिर खुजली महसूस हुई। मच्छर का जहर काफी शक्तिशाली लग रहा था। ट्रोल्स में विषाक्त पदार्थों और बीमारी के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध होता है, और उसे चोट पहुंचाने वाला मच्छर उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह खुजलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर वह अचानक चिल्लाया। उसके सिर के पिछले हिस्से पर एक बहुत बड़ा सूजा हुआ घाव था, जो एक कटोरे के आकार का था। जब तक वह उसे खुजलाता तब तक वह ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने उसे खुजलाया वह फट गया और हर जगह काला खून फैल गया। दर्द हड्डियों को चीरने वाला था। क्या हो रहा है? ओलो घबरा गया और स्तब्ध रह गया। तुरंत होश में आया वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। तभी उसने देखा कि देर से आए 7 इनामी शिकारी अपने लबादों से हथियार निकाल रहे थे। कुछ क्रॉसबो पहले से ही उस पर निशाना साधे हुए थे। ट्रोल के सबसे करीब मौजूद शिकारी ने पहले ही किसी समय एक बड़ा कुंद खंजर निकाल लिया था, जिसका लक्ष्य ट्रोल की पीठ को छेदना था। हमला तेज और भयंकर था, अप्रत्याशित रूप से शांत। अगर ओलो संयोग से उस तरफ नहीं देखता और उसे नहीं देखता तो उसे पता भी नहीं चलता कि वहां कोई है। एक हत्यारा, एक शक्तिशाली हत्यारा। ओलार के बाल लगभग खड़े हो गए। मौत की ठंड पहले से ही उसके दिल में व्याप्त थी। 4 क्रॉसबो ने एक साथ फायर किया, छोटे पूंछ रहित बोल्ट हवा में सीटी बजाते हुए। उनमें से 3 रहस्यमय नीली रोशनी से चमक रहे थे, जाहिर तौर पर शक्तिशाली विषाक्त पदार्थों से युक्त। वे कितने करीब थे ये देखते हुए ओलो बिल्कुल भी बच नहीं सका। अपनी शारीरिक बनावट के कारण चेनमेल पहने होने के बावजूद भी वह अपनी ओर आने वाले तीरों के ढेर को रोक नहीं सका। मीडियम रेयर ने बहुत ही जोर से दहाड़ लगाए। उसकी तेज आवाज से सभी को काला दिखाई देने लगा। शराब खाने में शराब की सभी बोतलें फट गईं, टुकड़े हर जगह उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी पसलियों में चुभने वाले खंजर से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फुर्ती से उठा और अपने चौड़े शरीर को एक अवरोध के रूप में खड़ा कर दिया, जिसने ओलार और फेजे की रक्षा की। जब 4 जहरीले बोल्ट ट्रोल की पीठ में घुसे तो उसके शरीर में गहरी धंसी हुई आवाजें सुनाई दी। उन्होंने उसकी पीठ की सतह पर सिर्फ 4 छोटे छेद छोड़े। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए।